good evening my dear students today we are going to learn about the concept of multiples students as we know that our chapter number 6 be my multiple i will be your factor is started and in this chapter we will learn about the concept of multiples so इन दिस पिक्चर देर आर समूडेंट्स हु पर कुछ बच्चे हैं जो कि साथ साथ एक सर्कल बनाकर खेल रहे हैं और इस गेम का नाम उन्होंने क्या रखा है म्या गेम इस गेम का नाम उन सारे बच्चों ने रखा है म्या गेम टू प्ले दिस गेम एवरी वन स्टैंड इन आ सर्कल इस गेम को खेलने के लिए सब बच्चों को क्या करना है हर एक बच्चे को क्या करना है एक सर्कल बनाकर बीच में खड़ा होना है बन प्लेयर कॉल्स आउट बन पहला वाला प्लेयर मान लो सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेयर ये बोलेगा बन दिस इज द सेकेंड ये बोलेगा टू इसका होगा थर्ड बट देर आर सम चेंजेस लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज भी हुए हैं अ प्लेयर हुई और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय थ्री हैज टू से म्या ऐसा प्लेयर जिसको थ्री बोलना है उसको थ्री की जगह पे क्या बोलना पड़ेगा म्यां बोलना पड़ेगा और ऐसा प्लेयर जिसको थ्री से डिविजिबल होने वाला नंबर जैसे कि सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन जो नंबर थ्री से पूरा डिवाइड हो जाए अगर उसका वो वाला टर्न है जैसे किसी का सिक्स टर्न है तो उसको सिक्स नहीं बोलना है उसको क्या बोलना है म्याम जैसे जिसका नाइन्थ नंबर है तो उसको नाइन नहीं बोलना है उसको बोलना है म्याम जैसे किसी का ट्वेल्थ टर्न है तो उसको ट्वेल्व नहीं बोलना है उसको बोलना है म्याम अंडरस्टैंड अगर जैसे किसी का थ्री है तो उसको भी म्याम बोलना है उसको अपना नंबर नहीं बोलना है कैसे बोलेंगे ऐसे वन टू म्याम फोर फाइव Seven, eight, ten, eleven, Understand, जो number three है या फिर थ्री से डिविजिबल है उन सारे नंबर्स पे हमको क्या बोलना है म्यां बोलना है अगर जो बच्चा म्यां नहीं बोल पाएगा तो वो क्या हो जाएगा वो प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा और ऐसे ऐसे जो भी म्याऊ नहीं बोलेगा वो बाहर होते चले जाएंगे लास्ट में जो भी बचेगा वो पिनर हो जाएगा समझ पाए हैं आप लोग इस गेम को इस गेम में बहुत सिंपल सा काम है सारे बच्चे एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं पहला वाला बच्चा बोलेगा वन सेकंड प्लेयर बोलेगा टू थर्ड प्लेयर को थ्री नहीं बोलना है उसको बोलना है म्याऊ फोर्थ प्लेयर को फोर बोलना है फिफ्थ प्लेयर को फाइव बोलना है सिक्स्थ प्लेयर को सिक्स नहीं बोलना है उसको बोलना है म्या अंडरस्टैंड ऐसे वन टू सेवन एट म्या इस तरीके से अगर जो नंबर थ्री है या थ्री से डिविजिबल नंबर है कोई तो उस टाइम पर प्लेयर को क्या बोलना है म्या बोलना है जो नहीं बोल पाएगा वो गेम से बाहर होता चला जाएगा अब यहां समझेंगे डिड यू रिप्लेस विथ म्या कौन से नंबर को म्याू से रिप्लेस किया गया होगा जैसे थ्री थ्री के बाद सिक्स आता है सिक्स के बाद नाइन समझ में आ रहा है ये है, थ्री सिक्स तो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्वीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी थ्री इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा तो इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं बी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ थ्री हम बोल सकते हैं कि ये सारे नंबर क्या हैं थ्री के मल्टीपल्स हैं हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो सारे नंबर लिखे हैं ये थ्री के मल्टीपल्स हैं दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ थ्री, थ्री। अंडरस्टैंड अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से समझेंगे मल्टीपल्स एट का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो एट का वन से करेंगे एट एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन थ्री से करेंगे ट्वेंटी फोर फोर से करेंगे थर्टी टू फाइव से करेंगे एट फाइव हजार फोर्टी एट सिक्स फोर्टी एट इस तरीके से ये सारे एट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमको नंबर मिल रहे हैं तो जो भी हमें यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स कहलाते हैं और किसके है? किसके है ये किसके मल्टीपल्स हैं दीज नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ एट किसके मल्टीपल हैं ये एट के मल्टीपल है सेम इसी तरीके से यहां देखेंगे 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है थर्टी 9 सेवन नाइन से सेवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है सिक्सटी थ्री एलेवन मल्टीप्लाई बाई टू ट्वेंटी टू सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री ट्वेंटी वन एट फोर जा थर्टी टू फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर्टीन सिक्स जा एट्टी फोर सिक्स एट जा फोर्टी एट नाइन एट जा सेवेंटी टू टेन नाइन जार नाइनटी सिक्स को अगर हम इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इलेवन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होता है आपको बताया था अगर हम टू से फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टेन आता है और अगर हम फाइव से टे टू में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी टेन आता है सेम अगर सिक्स को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सिक्सटी सिक्स होगा और अगर इलेवन को सिक्सटी सिक्स से मल्टीप्लाई एलेवन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सिक्सटी सिक्स होगा अंडरस्टैंड तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है यहां पर जितने भी ये नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं 63 ऊपर 30 है 22, 21, 32, 20, 84, 48, 72, 90, 66 ये क्या है प्रोडक्ट है ना तो ये जितना भी प्रोडक्ट है इन सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं मल्टीपल्स बोल सकते हैं दीज ऑल numbers आर कॉल्ड मल्टीपल्स ये सारे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं मल्टीपल बोलेंगे बी कैन से डीज ऑल मल्टीपल्स हम क्या बोल सकते हैं ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है असाइनमेंट वर्क है जो आपके लिए असाइनमेंट राइट टेन मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स में से हर एक नंबर के दस दस मल्टीपल लिखने हैं आपको कैसे लिखेंगे मल्टीपल्स कुछ नहीं करना है किसी भी नंबर से यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर आप किसी भी नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे थर्टीन है यहाँ पर तो थर्टीन को हम थर्टीन बंजर थर्टी 13, 13 30, 13 26, इस तरीके से आप इनके दस दस मल्टीपल निकाल सकते हैं आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इफ यू क्लास